जैसे कि हम सबको पता है, किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, उस देश का ग्रोथ काफ़ी धीरे हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्शन की चर्चा करने वाले हैं। पॉपुलेशन को लेकर के वर्ल्ड वर्सेज इंडिया में अगर हम डाटा की अगर बात करें, तो अगर आप इस डाटा को देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1900, 2000 और 2011 में कंपेयर किया गया है इंडिया वर्सेज वर्ल्ड का पॉपुलेशन। तो जो दुनिया का पॉपुलेशन था वो करीब 1900 में लगभग 2 बिलियन था, वो 2000 आते आते करीब 6 बिलियन हो गया और 2011 आते आते ये करीब 7.2 बिलियन हो गया। वहीं अगर देखें तो 1900 में भारत गुलाम था, वो इंग्लैंड के अधीन था। तो 1947 के अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो जनसंख्या था भारत का करीब 350 मिलियन था, वो 2000 में आते आते ये करीब 1 बिलियन हो चुका था और ये 2011 आते 1.2 बिलियन हो गया। और आज हम सबको पता है कि आज भारत का जनसंख्या करीब 1.4 बिलियन हो चुका है। मींस एवरी सिक्स्थ पर्सन इज एन इंडियन एंड इट इज नथिंग टू प्राउड ऑफ, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हमारा पर कैपिटा इंक्रीज नहीं हुआ, हमारा GDP इंक्रीज नहीं हुआ, हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हुआ, रिसोर्सेज की कमी धीरे होने लगी। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ये करीब लेस देन 2% है, यानी कि अगर हम देखें तो 1000 व्यक्ति में अगर 350 व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो 350 व्यक्ति तो पैदा लेता ही लेता है, इसके साथ साथ 20 लोग और पैदा ले लेते हैं। इसका मतलब होता है कि लगभग हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगभग लेस देन 2% के अकॉर्डिंग माना गया है। तो अब क्या करें, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसका क्या मेथड होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन बना है दो शब्दों से, कॉन्ट्रा प्लस कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपरीत, यानी कि कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोकना कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। अब एक कॉन्ट्रासेप्शन कैसा होना चाहिए, अगर हम देखें एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन उनमें कुछ फीचर्स होनी चाहिए, लाइक वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको आज यूज कर रहे हैं और अगर हमको कल इच्छा हुआ इसको ख़त्म करने का तो हम वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ सकें, काफ़ी चीप भी होना चाहिए, तब जा कर के एक कॉन्ट्रासेप्शन मार्केट में जा कर के लोगों के सामने ये पॉपुलर हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी का जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी लेस होता है, कि इसमें आप दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है नेचुरल प्रोसेस और एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस के भी तीन टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दूसरा होता है इसमें क्वाइटस इंटरप्टस और तीसरा होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। धीरे धीरे करके हम एक को समझते हैं। पहले हमने बात करी कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी में फिर मैंने बात करी, ये नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल में तीन टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाता है इसमें पहली अगर हम बात करें, ये होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस या फिर कैलेंडर मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो 14th ऑफ डे होता है, यानी कि 14वें दिन, यानी किसी भी फीमेल का अगर 28th का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14वें दिन उसको ओव्यूलेशन होता है। उस दिन से फैलोपियन ट्यूब में वो ओवम आता है, अगर स्पर्म उसके साथ फर्टिलाइज होगा तो फिर वो फर्टिलाइज करेगा और फिर फर्दर डेवलपमेंट होकर के फिर बेबी हो जाता है, वो कंसीव कर जाती है। अगर हम वहीं देखें, अगर किसी भी लेडी का अलग अलग होता है, किसी का 27 डे, 29 डे, 26 डे, मोटा मोटी अगर मान के चले तो 10 से 17वें दिन के बीच में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उससे 10वें से 17वें दिन के बीच में अगर क्वार्टर्स को अवॉइड कर दिया जाए तो ये एक मेथड है जिसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस या फिर कैलेंडर मेथड बोलते हैं। वही दूसरा अगर हम मेथड देखें तो एक होता है क्वार्टर्स इंटरप्टस। क्वार्टर्स इंटरप्टस का मतलब होता है कि ड्यूरिंग क्वार्टर्स जस्ट विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर द इजैकुलेशन, यानी कि अगर इजैकुलेशन होने से पहले अगर पेनिस को हटा लिया जाए फ्रॉम द वेजाइना तो वो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं जाएगा, और जब वहाँ जाएगा नहीं तो वहाँ पे कोई फर्टिलाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब कहा जाता है कोई भी फीमेल अगर डिलीवरी होती है तो 6 महीने तक वो माँ नहीं बन सकती है जब तक वो दूध पिला रही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी कोई फीमेल अपना दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है अपने बेबी का, तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रोलैक्टिन इसलिए हाई होता है क्योंकि प्रोलैक्टिन ही जिम्मेदार होता है इस मिल्क प्रोडक्शन में, जो मैमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन करवाती है। और जब प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है लाइक FSH और LH ये काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, और ये दोनों जब रिड्यूस हो जाएंगे तो ना ही फॉलिकल डेवलपमेंट होगा और ना ही कोई टाइप का ओव्यूलेशन होगा। तो ये लगभग 6
मंथ तक ही वैलिड होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए तो 6 मंथ तक ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ये 3 तरीके होते हैं आर्टिफिशियल के। इसका जो फेलियर का चांसेज है थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 ml इजैकुलेशन में लगभग 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी अगर स्पर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फैलोपियन ट्यूब तक चला गया और वहाँ पे ओवम से फर्टिलाइज कर लिया, तो चांसेस हो जाता है उस लेडी का कंसीव होने का। अगर हम वही बात करें आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल में कई टाइप्स होते हैं। एक मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवम होता है उसका प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल मीटिंग से बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कॉन्डोम का। कॉन्डोम भी 2 टाइप का होता है, एक मेल कॉन्डोम होता है, एक फीमेल कॉन्डोम होता है। अगर हम मेल कॉन्डोम की अगर बात करें तो वो पेनी साइज का होता है, लेटेक्स का होता है, थीन होता है। वहीं देखें तो इसको बिफोर क्वार्टर्स यूज किया जाता है, काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है, वो खुद से भी कोई पर्सन उसको लगा सकता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। काफ़ी लो साइड इफेक्ट होता है और काफ़ी अच्छा काम करता है। बेसिकली ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं लाइक हर्पीज हो गया, जेनेटल हर्पीज, एड्स, इन सब से ये प्रिवेंट कराता है, इससे भी बचा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मेथड होता है कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम भी होता है, वो रबर का होता है। बेसिकली ये दोनों जो ही होते हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से तो प्रिवेंट कराते ही कराते हैं। खास करके ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है। फीमेल में सर्विकल कैप भी होता है, डायफ्राम होता है, वॉर्ड्स होते हैं। अब डायफ्राम वॉर्ड्स जो होता है बेसिकली ये रिवर्स होता है, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, फॉरेन वगैरह में काफी ज्यादा चलन में होता है। तो ये हो जाता है बैरियर मेथड में। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कॉन्डोम को गवर्नमेंट जो होती है वो निरोध नाम से फ्री में भी आता है कॉन्डोम, उसका यूज किया जा सकता है। और हम बात करें दूसरे मेथड की, एक होता है पिल्स मेथड। अब पिल्स में क्या होता है कि इसमें लेडी को पिल्स खाना पड़ता है, मालाडी नाम के या फिर मालायन के नाम से या फिर सहेली के नाम से आता है। इंडिया का रिसर्च मेडिसिन है ये। जो मालाडी होता है, मालायन होता है, बेसिकली ये लगभग 21 डे तक कंटिन्यू एक एक टैबलेट खाया जाता है, फिर 7 दिन के लिए छोड़ा जाता है। अब इस कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है। बेसिकली इस पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। एस्ट्रोजन सिंगल भी दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन सिंगल भी दिया जाता है, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन ही दिया जाता है। ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ओवुलेशन को रोक देते हैं या फिर जो पूरा जो यूट्रस होता है उसके एनवायरनमेंट को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देते हैं, जिससे कोई भी प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती है, वो लेडी कंसीव नहीं कर सकती है। अब इसी आर्टिफिशियल में एक और मेथड होता है जिसको इंजेक्शन मेथड बोलते हैं। इंजेक्शन में बेसिकली इंजेक्शन 2 महीने के लिए दिया जाता है, उसमें जो यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बेसिकली इसमें दिया जाता है। अब इसी आर्टिफिशियल में एक और मेथड होता है जिसको इम्प्लांट बोलते हैं। ये बेसिकली 6 ट्यूब होता है सिलिकॉन का, इसको बेसिकली स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको इम्प्लांट मेथड बोलते हैं। फिर एक मेथड होता है IUD, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सबसे ज्यादा लेडी इसके लिए अवेयरनेस भी होती है, वो होता है IUD इंट्रायूटराइन डिवाइस। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, इसका 3 जनरेशन है। पहला होता है नॉन मेडिकेटेड IUDs, ये होता है लिपीज लूप करके आता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि ये जो होता है बेसिकली इसका काम करने का तरीका देखें तो ये स्पर्म को ना खा जाता है, बेसिकली फैगोसाइटिक होता है। तो स्पर्म को जब खाई जाएगा उसका बिल्कुल ही विलुप्त कर देता है, तो वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा ओवम के साथ। दूसरा इसमें आता है कॉपर रिलीजिंग IUD, जिसमें कॉपर 7, कॉपर 10 या फिर मल्टी लोड 375 आता है। बेसिकली इसमें कॉपर को इसके लपेट दिया जाता है। कॉपर बेसिकली क्या करता है, ये टी शेप का होता है, इसको डॉक्टर या फिर नर्स के द्वारा इसको वजन है इसको अंदर जाकर के इंसर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है कि स्पर्म को ना मोटिलिटी कम कर देता है, यानी कि ये जो स्पर्म मोटाइल होते हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है उसकी मोटिलिटी को काफ़ी कम कर देता है, बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, जिससे वो स्पर्म जाता तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ओवम वहां पे फर्टिलाइज नहीं करता है स्पर्म के साथ। तीसरा एक जनरेशन होता है जिसको हार्मोनल IUDs बोलते हैं। इसमें बेसिकली प्रोजेस्टास्टेरोन आता है और LNG20 आता है, बेसिकली थोड़ा सा महंगा भी होता है। ये 3 जनरेशन हो जाते हैं IUDs के। और अब एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी आता है जो IPL के नाम से आता है, अनवांटेड 72 के नाम से आता है। बेसिकली ये आफ्टर क्वार्टर 72 आवर्स के बीच में लेना पड़ता है, ये एक इमरजेंसी होता है। फिर अगर देखें अगर हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में एक होता है ट्यूबेक्टमी और एक होता है वैसेक्टमी। वैसेक्टमी बेसिकली क्या होता है, जो टेस्टिस से दोनों साइड से एपिडिडाइमिस से दो वासा डिफरेंस निकलते हैं, इस वासा डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता है लेकिन ये स्पर्म इस वासा डिफरेंस के होते हुए थ्रू यूरेथ्रा बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि इसको बीच में ही वैसेक्टमी कर दिया जाता है, जिसको वैसेक्टमी का प्रोसेस बोलते हैं। इंडिया में मेल ये ज़्यादातर नहीं करवाते हैं। इंडिया में जो परमानेंट बेसिकली होता है वो ट्यूबेक्टमी होता है।
फीमेल में क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो दोनों ओवरी से, दोनों ओवरी के पेरिफेरी से ये ओपन होता है और जाकर के ये फिर यूट्रस में जाकर के ओपन हो जाता है। इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में यही, इसी में ओबम, इस ओवरी में ओबम तैयार होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब की मदद से ये यूट्रस में आता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में इनफेक्ट फर्टिलाइजेशन भी होता है। इस फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके हटा दिया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी का प्रोसेस बोलते हैं, साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं इसको, बेसिकली रिमूव जब कर दिया जाता है इन दोनों फैलोपियन ट्यूब को, तो ये परमानेंट होता है, ये बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, तो इसको परमानेंट बोलते हैं। इसका बिल्कुल चांसेस जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है प्रेगनेंसी होने का, तो ये फिर इरिवर्सिबल भी नहीं होता है, परमानेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इन कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, इनके मेथड के बारे में, ये कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।